नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रसमंजरी साहित्य सृजन के तत्वाधान में सूर्य नारायण गौतम स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष में पुस्तक विमोचन एवं जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया गया कि हमने जो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को पीछे छोड़ दिया है, उसे फिर से समाज में लाने की जरूरत है और जन जन तक यह संदेश पहुंचाने की जरूरत है कि हम अपने जन्म का उत्सव मनाएं। दीपों को बुझाने की बजाय उन्हें जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए। पुस्तक विमोचन व जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह, बघेली कवि रामलखन सिंह महगना, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य एवं कार्यक्रम की मुख्य आयोजक अरुणा पाठक शामिल रहीं। आइए आपको सुनाते हैं बघेली पर आधारित इस कार्यक्रम पर महाराजा पुष्पराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर उपस्थिति में, महाराजा जी की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, तो बहुत हार्दिक शुभकामनाओं पर धन्यवाद। यहाँ पर हमारे महाराज जी शिक्षा को महत्व देते हुए, गुरु को महत्व देते हुए राजकुमार आचार्य जी कुलपति जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और बहुत अच्छी परंपरा और इन परंपराओं आज के जो कार्यक्रम रहा है वह श्री सूर्य नारायण जी गौतम जी के माध्यम से जो लिखी पुस्तक है ओखर विमोचन रहा। और बहुत अच्छी बात यह रही कि पूर्व कार्यक्रम बघेली में रहा, जितने लोग रहे सबको यहाँ अच्छे विद्वान लोग रहे हैं, जो बघेली क्षेत्र में अपन नाम आगे बढ़ाई हैं। कुछ लोग बाहर से पधारे रहे, उनका सबका हम विंद में स्वागत करी थे। और बहुत अच्छी बात यह रही कि जो वर्षगांठ के या जन्मोत्सव के एक परिपाटी है, एक पाश्चात्य संस्कृति आए गए है, जिनमें केक काटअप शुरू करीन है और प्रकाश का हम पंचे बुझाई थे, कैंडल्स का बुझावा जात है। कैंडल्स का बुझावा जात जो यह एक परिपाटी है वो भारतीय संस्कृति के विपरीत है। कहे के प्रकाश का बुझाऊ मतलब जीवन के या अध्याय के अंत होते हैं। हम पंचे हमेशा प्रकाश दीप प्रज्वलित करी थे, दीप विसर्जन जो है वह केवल गंगा में करा जाते हैं। और ऐसे यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, जिसमें दीप प्रज्वलित करके वर्षगांठ का जन्मोत्सव का यहाँ मनायन, ओके खातिर बहुत बहुत आभार। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो पंडित सूर्य नारायण गौतम जी के जन्मोत्सव पर और उनके पुस्तक विमोचन और सम्मान समारोह बघेली उत्सव का, ये पहली बार हो रहा है कि अक्सर साहित्यकारों का जन्मदिन तब मनाया जाता है जब वो चले जाते हैं, लेकिन हमारे रसमंजरी साहित्य सृजन का ये अभिनव प्रयास है कि जो जीवित है और जो साहित्यकार है उनको सम्मान देने की यह परंपरा हमने शुरू की है और ये हर वर्ष मनाया जाएगा। और इस परंपरा के तहत हमने एक नया काम और किया है कि हमें दीपक जलाना है, बुझाना नहीं है, दीपोत्सव का उत्सव मनाना है, जन्मोत्सव मनाना है। और जितने भी यहाँ साहित्यकार हैं उनकी प्रबुद्ध यहाँ सबकी उपस्थिति है, तो उन सभी साहित्यकारों के साथ साहित्य की नई दिशा देने के लिए रसमंजरी साहित्य सृजन विदिक फाउंडेशन अपने दौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ से लेकर बाहर तक, बनारस हो चाहे देवास हो चाहे इंदौर हो, बहुत दूर दूर तक जाकर अपने काम कर रही है। और ये विदिक फाउंडेशन जो संस्कृत हिंदी बघेली के लिए काम कर रही है, तो विदिक फाउंडेशन की ओर से जन्मोत्सव की यह सुंदर परंपरा चालू की गई है जो इस बार पंडित सूर्य नारायण गौतम जी के जन्मोत्सव से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम डॉक्टर अरुणा पाठक है, आभार।